जय भीम, जय भारत मेरे सभी दोस्तों को। आजकल मार्केट में एक नई मोहतरमा आई है, मैडम। उनका नाम है हरामटी शर्मा, और नकाब पहन के आती हैं इतना बड़ा ये मास्क लगा के, और उल्टा सीधा कुछ भी बकती हैं और चली जाती हैं। तो मैं उनसे कहता, जब इतना ही चैलेंज देने वाली हो, तुम इतना ही सब कुछ करने वाली हो, इतना ही सबको बोलने वाली हो, तो अपना मुंह क्यों नहीं खोलती हो? इतना डरती क्यों हो? मुंह दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? आती हो, बकवास करती हो, चली जाती हो। अगर थोड़ी सी भी हिम्मत है ना, थोड़ी सी भी है ना, तो मुझसे आगे मिल लो। मेरा नाम नीलेश है, नीलेश सागर निडर, ठीक है? मार मार के ना वो थूत बिगाड़ूंगी ना, कि तेरी सात पुश्तें भी तुझे पहचान नहीं पाएंगी। आया समझ? इतना तू भौंकती है ना वहां बैठ के, एक बार सामने आ जा, एक बार, ज्यादा नहीं, ठीक है ना? तेरा वो थूत बिगाड़ूंगी ना, याद रखेगी सारी जिंदगी। मैं चैलेंज कर रही हूँ, मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बेटी हूँ, ऐवे हवाबाजी मत समझ लियो। तेरी तरह दोगली नहीं हूँ, और ओपन चैलेंज कर रही हूँ। और बता, है तुझ में दम? आगे दिखा, मिल के दिखा। मैं तो ये कह रही हूँ, बता। भूसती है, कुछ भी बोलती है, जिनकी बदौलत आज तू जो भौंक रही है ना, तू जो बोल रही है ना, ठीक है, वो मेरे बाप की बदौलत है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत। किसी यारे घरे नथु घरे के हरामटे की बदौलत नहीं है, जिस हरामटे का तू नाम लेती है। आया समझ में? और ऐसे ही बोलूंगी। और बता, हरामटी है, हरामटों की औलाद है तू। आया समझ में? बहुत हो गया, बहुत दिन से तेरी बकवास सुन रही हूँ, बहुत दिन से। हरामजादी कहीं की हद हो गई, कुछ भी बोलती है। मुंह छुपा के क्यों बोल रही है? सामने आना, जब लड़ने ही है तो मैदान में आ। वहां बैठ के भूसने से क्या मिल जाएगा तुझे? तो कुछ मिल रहा हो तो बता दे। चैलेंज कर रही हूँ,